हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम हुब्रिस के बारे में डिस्कस करेंगे, सो लेट्स जंप इनटू इट। हुब्रिस कोई भी कैरेक्टर की अत्यधिक प्राइड या कॉन्फिडेंस को कहते हैं, जिस वजह से कैरेक्टर्स अपनी लिमिट्स क्रॉस करते हैं और जो उनके डाउनफॉल का कारण भी बनता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीक माइथोलॉजी में आइकरस भी इसी हुब्रिस का शिकार बनता है और अपनी जान गंवाता है। आइकरस, जिसको एक मोम की पंख दिया जाता है ताकि वो एक केत से बाहर भाग सके, लेकिन उसकी ओवर कॉन्फिडेंस और प्राइड की वजह से वो अपने पिताजी की वार्निंग्स को नहीं मानता और सूरज के बहुत करीब चला जाता है, और सूरज के करीब जाते ही उसकी मोम की पंख पिघल जाती है और वो समुद्र में गिर जाता है और मर जाता है। सो ओवर कॉन्फिडेंस और प्राइड उसके पतन का कारण बनता है, और यही ओवर कॉन्फिडेंस और प्राइड को हुब्रिस कहते हैं। अब हम हुब्रिस और हमर्सिया को कंपेयर करेंगे। मैंने ऑलरेडी हमर्सिया के ऊपर वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिटरेचर में हुब्रिस और हमर्सिया बहुत रिलेटेड है। हमर्सिया कैरेक्टर की ट्रेजिक फ्लो को कहते हैं, जो कैरेक्टर की पूरी लाइफ या भाग्य को बदल देता है और जो उसके पतन का या डाउनफॉल का कारण भी बनता है। हालांकि ये ट्रेजिक फ्लॉस कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि हेमलेट प्ले में हेमलेट का ज्यादा सोचना ट्रेजिक फ्लॉ था, उसी तरह डॉक्टर फोस्टस में फोस्टस का ज्यादा ज्ञान या नॉलेज पाने का इच्छा ट्रेजिक फ्लॉ था, उसी तरह हुब्रिस भी ट्रेजिक फ्लॉ का ही एक टाइप है। सो हमर्सिया या ट्रेजिक फ्लो का कई टाइप्स होते हैं, और उन्हीं टाइप्स में से हुब्रिस एक है, जिसका अर्थ है ओवर कॉन्फिडेंस या प्राइड। सो लिटरेचर के कई फेमस प्लेस में, जैसे ईडिपस रेक्स, फ्रैंकेंस्टाइन, ऑल द किंग्स मैन आदि में हुब्रिस या ओवर कॉन्फिडेंस हीरोज के हमर्सिया या ट्रेजिक फ्लो होते हैं, जो उनके पतन का कारण बनता है। सो हमर्सिया या ट्रेजिक फ्लो के कई टाइप्स होते हैं, और उन्हीं टाइप्स में से हुब्रिस एक है। अब हम जानेंगे कि एंशिएंट ग्रीस में हुब्रिस का क्या मतलब था। एंशिएंट ग्रीस में जब कोई भगवान का ऑर्डर या डिवाइन ऑर्डर को डिफाई करते थे, तब उसे हुब्रिस कहते थे, और हुब्रिस की ये कॉन्सेप्ट हम ग्रीक मिथ्स और ड्रामास में देख सकते हैं, जहाँ कैरेक्टर्स गॉड्स की डिवाइन ऑर्डर को डिफाई करते हैं और जिसकी वजह से उन्हें पनिशमेंट भी झेलनी पड़ती है। सो यहाँ पर ये चीज याद रखनी जरूरी है कि एंशिएंट ग्रीस में डिवाइन ऑर्डर को ना मानने को हुब्रिस कहते थे, उसकी वजह से जो कैरेक्टर को पनिशमेंट मिलती थी उसको निमेसिस कहते थे, जो कि एक भगवान का नाम था जो इस तरह के पनिशमेंट देता था। अब हम हुब्रिस की कंटेम्पररी डेफिनेशन को देखेंगे। जो डेफिनेशन थी हुब्रिस की एंशिएंट ग्रीक्स में, वो डेफिनेशन कंटेम्पररी टाइम में अभी चेंज हो गया है। एंशिएंट ग्रीक में हुब्रिस डिवाइन ऑर्डर या गॉड के ऑर्डर को नहीं मानने को कहते थे, लेकिन कंटेम्पररी सेंस में हुब्रिस का मतलब ओवर कॉन्फिडेंस या प्राइड है। अगर कोई भी पर्सन ज्यादा प्राइड और एरोगेंस का यूज करके कोई भी काम करे तो वो उसे डिजास्टर या बर्बादी की तरफ लेके जाएगी। हो सकता है कि उसे शुरुआत में सक्सेस मिले, लेकिन एंड में उसका डाउनफॉल होगा ही होगा, और यही डिफरेंस है एंशिएंट कॉन्सेप्ट ऑफ हुब्रिस में और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हुब्रिस में। एंशिएंट कॉन्सेप्ट ऑफ हुब्रिस में निमेसिस गॉड आके पनिशमेंट देती थी, लेकिन कॉन्टेम्पररी कॉन्सेप्ट ऑफ हुब्रिस में ऑटोमेटिकली कैरेक्टर को पनिशमेंट मिल जाता है, भले वो देर से ही क्यों ना हो। अब हम मेरी शैली की नॉवल फ्रैंकेंस्टाइन में किस तरह हुब्रिस का यूज किया गया है उसे देखेंगे। इस नॉवल का जो प्रोटैगनिस्ट होता है डॉक्टर विक्टर फ्रैंकेंस्टाइन, वो नेचर और गॉड का जगह लेना चाहता है और लाइफ या जिंदगी क्रिएट करना चाहता है। विक्टर की ये प्राइड और एम्बिशन थी कि जो नेचर में सदियों से चली आ रही है उस नियम को बदल देना और भगवान या नेचर की जगह लेना, और विक्टर की इस हुब्रिस्टिक एम्बिशन से वो एक लाइफ क्रिएट भी कर लेता है, जो एक मॉन्स्टर के शेप में होता है और जो बाद में
विक्टर की सभी फैमिलीज या सभी अपनों को मार देता है। सो विक्टर का ये नेचर के अगेंस्ट में जाना और अपनी प्राइड और एम्बिशन का यूज करना उसका हुब्रिस था, और इसी हुब्रिस्टिक एम्बिशन की वजह से उसका पतन या डाउनफॉल होता है। सो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हुब्रिस का। सो वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।